यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। द वेट mg ऑफ एन एक्सटेंडेड बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी मतलब बॉडी है कंटिन्यूअस बॉडी लाइक दिस बॉडी है ना, इज जनरली शोन इन अ डायग्राम टू एक्ट थ्रू द सेंटर मास। हाँ अपन दिखाते हैं है ना, वेट को अपन सेंटर मास से दिखाते हैं। डज इट मीन दैट द अर्थ डज नॉट अट्रैक्ट अदर पार्टिकल? बिल्कुल नहीं, इट डजंट मीन दैट, नो। तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? तुमने अगर क्लासेस करी है तो तुम्हें पता होगा, दिस इज वन ऑफ द मेनी डेफिनेशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू बी प्रेसाइज है ना, टू बी प्रेसाइज वी विल कॉल इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना। देखो ये वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में मैंने सबको फर्क बताई दिया था है ना। तो ठीक है, पहले तो जब यहां पे वर्मा सर सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास से उनका मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पहले तो अपन क्वेश्चन बदल देते हैं ना, क्योंकि लोग इसके बीच में कंफ्यूज ना करें। तो पहले तो अपने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल देते हैं और अपने लेवल पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही चीज हो गई। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, द वेट mg ऑफ एन एक्सटेंडेड बॉडी। तो क्वेश्चन ये है कि उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगाते हैं ना, क्या इसका मतलब ये अर्थ डज नॉट अट्रैक्ट अदर पार्टिकल्स? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। असलियत में क्या हो रहा है, ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। मान लो dm 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 इन हर एक पार्टिकल पे अर्थ का छोटा छोटा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हर एक पार्टिकल पे अर्थ का छोटा छोटा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना हर एक पार्टिकल पे। तो फिर तुम कहोगे सर जब हर एक पार्टिकल पे छोटा छोटा dmg लग रहा है तो अपन पूरा का पूरा mg इधर सेंटर ऑफ मास पे क्यों दिखाते हैं या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे दिखाते हैं? क्योंकि अपन जब रोटेशनल, अपन ने ये सारे काम रोटेशनल वाले चैप्टर में करें अगर तुम्हें ध्यान नहीं है तो ना, ये अपन रोटेशन वाले चैप्टर में करते हैं अपने ये सारे काम। क्योंकि अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है, अगर इन सब का मैं टॉर्क निकालूंगा ना तो इधर पे जो पार्टिकल है ये वाले पार्टिकल टॉर्क कैसा दे रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं। इधर के जो पार्टिकल है वो टॉर्क दे रहे हैं क्लॉकवाइज। तो इन सारे पार्टिकल का एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट टॉर्क जीरो होगा। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो नहीं है, इस पॉइंट का अबाउट टॉर्क जीरो नहीं है, इस पॉइंट का अबाउट टॉर्क जीरो नहीं है। टॉर्क सिर्फ इकलौता एक पॉइंट है जिसका अबाउट टॉर्क जीरो है और वो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास जिसको तुम कह रहे हो, इसके अबाउट टॉर्क जीरो है। तो आप अलग अलग डीएमजी दिखाने की जगह पूरा का पूरा आप एमजी इस पॉइंट के हिसाब से दिखा देते हो, क्योंकि उससे टॉर्क की इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन ऐसा इसलिए करते हैं ताकि टॉर्क अपन, क्योंकि देख लेना जितने भी क्वेश्चन करें अपन ने जहां पर जब भी एमजी अपन ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगाया है टॉर्क वाले क्वेश्चन हैं, तो हमारे टॉर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसलिए हम लगाते हैं। बाकी लगता नहीं है, लगता नहीं, सिर्फ टॉर्क का क्वेश्चन करने के लिए हम एमजी को सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं, बाकी नहीं लगाते। ठीक है, बाकी ग्रेविटी अर्थ तो हर एक पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, और इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी करते हैं पर वो क्लास में करते हैं, यहाँ पे जरूरत नहीं है, जेई के बच्चों को जरूरत होती है, यहाँ पे जरूरत नहीं है उसके ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आई थिंक ये वाला अच्छे से क्लियर हो गया होगा।